जय हिंद। इस वीडियो में लोग सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर बात करेंगे। देखिए वैसे तो एक पेनी स्टॉक है, लेकिन अब एक मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका है। ₹5 से इस कंपनी का शेयर प्राइस उठना शुरू हुआ था और अभी लगभग 500 के आसपास जा पहुंचा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कुछ समय बाद इसकी गिनती एक मोनोपोली स्टॉक में की जाएगी। आइए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट से मोटा पैसा कमाना है तो एक क्वालिटी स्टॉक का चुनाव करना और उसमें बने रहना कितना जरूरी होता है। साथ में यह भी बताऊंगा कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है तो अब आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि इस कंपनी का शेयर प्राइस एकदम टॉप लेवल पर पहुंच चुका है, कभी भी नीचे की तरफ लुढ़क सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए जो सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काम क्या करती है। तो यह कंपनी यार्ड यानी कि ऊन वगैरह और फैब्रिक्स रेडीमेड गारमेंट्स बनाने का काम करती है। समझिए इसका मार्केट कैप है 1444 करोड़ रुपया और शेयर प्राइस है 436 रुपया। देखिए अभी अप ट्रेंड ग्राफ में था, शेयर प्राइस अभी ऊपर बढ़ते ही चला जा रहा है और हाई लगा चुका है 436 रुपये का। आप ध्यान देंगे तो जो कंपनी का शेयर प्राइस है वही इसका हाई भी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि शेयर प्राइस अभी 52 वीक के हाई पर है। यह ऑल टाइम हाई नहीं है, 52 वीक का हाई है। ऑल टाइम हाई इसका है 650 रुपया। 650 रुपये इसका जो ऑल टाइम हाई है वह कब था? यहाँ देखेंगे 2008 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ उसके बाद यह कंपनी भी कहेंगे एक प्रकार से दिवालिया हो गई, और 2008 के बाद से कंपनी का शेयर प्राइस एकदम सपाट लाइन में चलते रहा। मतलब 1 रुपये 2 रुपये ऐसे ही 2008 के बाद से 2020 तक इसी रेंज में इस कंपनी का शेयर प्राइस रहा। फाइनली 2021 से कंपनी का शेयर प्राइस उठना शुरू हुआ है। अब यहाँ समझेंगे 2021 में 28 अक्टूबर से कंपनी का शेयर प्राइस में तेजी आना शुरू हुआ, और 28 अक्टूबर से अभी तक आप ग्राफ में देखेंगे कंपनी का शेयर प्राइस अप ट्रेंड ग्राफ में है, अर्थात 28 अक्टूबर से कंपनी का शेयर प्राइस लगातार बढ़ते ही जा रहा है। और आप देखेंगे इस दिन इसका शेयर प्राइस था 5 रुपया, यानी कि 5 रुपये से जो कंपनी का शेयर प्राइस उठना शुरू हुआ है 5 रुपये से 436 रुपये के आसपास आ गया है। लगभग 900 गुना किया है इसने अपने पैसों को सिर्फ 5-6 माह में। अब यह जो 900 गुना पैसों को किया है, यह 1000% रिटर्न होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरा तो दिमाग मतलब हिल गया है इतना शानदार रिटर्न देख के। यहाँ आपको आसान भाषा में समझाता हूँ रिटर्न का मतलब, कब कितना रिटर्न दिया है। समझिए एक सप्ताह में इस कंपनी ने 27.60% का रिटर्न दिया है। 27.60% कहने का मतलब होगा अगर एक सप्ताह पहले भी किसी व्यक्ति ने इसमें 1 लाख का निवेश किया होता तो पैसा अब तक 1,27,000 रुपये बन चुका होता सिर्फ एक सप्ताह में। एक माह में इस कंपनी ने 154.24% का रिटर्न दिया है। मतलब एक माह पहले अगर कोई व्यक्ति इसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो अब तक 2,54,000 रुपये बन चुके होते हैं। वहीं अगर 3 माह में इस कंपनी ने 2,010% का रिटर्न दिया है, अर्थात 3 माह पहले अगर किसी व्यक्ति ने इसमें 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता तो अब तक 21,10,000 रुपये बन चुके होते हैं। और साल भर में देखेंगे तो 8,703% का रिटर्न इस पेनी स्टॉक ने दिया है। हालांकि इस तरह का रिटर्न सिर्फ पेनी स्टॉक में ही संभव होता है। क्वालिटी स्टॉक कहने का मतलब जो बहुत लार्ज कैप कंपनियां होती है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं, उनमें इस तरह के रिटर्न की अपेक्षा साल भर में नहीं की जा सकती। तो यहां हालांकि वो भी रिटर्न देते हैं लेकिन साल भर में नहीं देते हैं। एक साल में इसने 8,703% का रिटर्न दिया। इसका मतलब हुआ कि एक साल पहले अगर किसी व्यक्ति ने इसमें 1 लाख रुपये लगाए होते तो अब तक 97,00,000 रुपये बन चुके होते हैं जी, सिर्फ एक साल में। अब यह तो हो गया मोटा मोटी बात, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि रिटर्न इतना मिला, पैसा इतना गुना हो गया, लेकिन फंडामेंटली कंपनी कितना स्ट्रांग है यह भी जानना जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो समझेंगे कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट आए थे पिछले माह में, तो उसमें आप देखेंगे Q2 में इसका रेवेन्यू हुआ था 108 करोड़ का, जो Q3 में बढ़कर हो गया 119 करोड़ का, यानी रेवेन्यू बढ़ा है। मतलब कंपनी का काम धंधा बिजनेस इसका ठीक ठाक चल रहा है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो Q2 में प्रॉफिट नहीं हुआ था, कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। Q2 में 37 लाख का इसको लॉस हुआ था, लेकिन कंपनी ने Q3 में उस लॉस को कम किया है और लॉस कम करके 37 लाख से 28 लाख तक आई है। इसके अलावा अगर आप रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास 289 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन दिक्कत यह है कि Q2 से Q3 कंपनी का रिजर्व कम होते जा रहा है। रिजर्व कंपनी का जो कैश पैसा होता है कम हो रहा है। और कर्जा देखिए 975 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है, लगभग 1000 करोड़ इसको मान लीजिए। और देखिए जितना कंपनी के पास रिजर्व नहीं उससे कई गुना अधिक कंपनी के ऊपर कर्जा है और यह कर्जा बढ़ते जा रहा है। अब होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं, देखिए प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम शेयर्स पड़े हुए हैं इस कंपनी के, 75.27% हिस्सेदारी है, लेकिन हाई प्लीजिंग है। पर कहने का मतलब वो प्रमोटर्स ने अपने मैक्सिमम शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं, और पब्लिक के पास सिर्फ 1.04% की हिस्सेदारी है। मतलब पब्लिक के पास हिस्सेदारी कम है और प्रमोटर्स के पास ज़्यादा है, इसके बावजूद इस कंपनी में मैनिपुलेशन हो रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि बिना मैनिपुलेशन के इसका प्राइस 5 रुपये से 500 तक चला जाएगा। हालांकि इसमें विदेशी निवेशक भी हैं जिसको फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कहते हैं, यह भी 0.13% है, और DII वाले भी हैं 23.56%। लेकिन इन सबके होने के बावजूद कंपनी में एक अच्छे खासे मैनिपुलेशन अभी चल रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि मैंने आपसे क्यों कहा था कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि अभी इस कंपनी को देखेंगे आप, सेबी ने इस कंपनी को ASM लिस्ट में डाला हुआ है। आपको पता है कि सेबी किसी कंपनी को ASM या JSM लिस्ट में तभी डालता है जब उस कंपनी का प्राइस कुछ और बोल रहा हो और फंडामेंटल कुछ और बोल रहा हो, यानी कि धोखाधड़ी रोकने के लिए कंपनी किसी भी सेबी किसी भी कंपनी को ASM लिस्ट में डालता है। इसके अलावा RSI इसका 100
चला गया है, RSI एकदम टॉप लेवल पर है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि RSI किसी भी कंपनी का 30 से 70 के बीच में होना चाहिए। 70 के ऊपर जब किसी कंपनी का RSI चला जाता है तो हमें सावधान हो जाने की जरूरत होती है, क्योंकि उसके बाद उसमें कभी भी गिरावट हो सकती है। लेकिन यहाँ RSI एकदम 100 यानी टॉप लेवल पर पहुंच चुका है, कभी भी इसमें लोअर सर्किट लग सकता है और आप इसमें फंस सकते हैं। इसलिए अगर आपका इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो जितना जल्दी हो सके इसमें से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आप बाहर निकल जाइए, आपके लिए बेहतर होगा। और जो नए लोग हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम इस लेवल पर तो बाई मत कीजिए जहाँ RSI 100 के आसपास है। थोड़ा दिन इंतजार कीजिए, RSI जब 30-40 के आसपास आएगा वहाँ पर आप बाई कर लीजिए, अगर आपको यह कंपनी पसंद है, कंपनी का बिजनेस पसंद है तब। उम्मीद करता हूँ मैंने जो बातें बताई आपको समझ में आई होंगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।